हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के आठवें दिन आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तरफ सरकार ने जहां विपक्ष के सवालों का जवाब दिया तो कई संशोधन विधेयक भी पेश किए गए और कई प्रस्तावों को पास किया गया। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता को पीएसी का चेयरमैन बनाने की मांग रखी गई, साथ ही किसानों का मुद्दा एक बार फिर से सदन में उठा। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की नेता किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने एपीएमसी कमेटी से इस्तीफा देकर किनारा कर लिया है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। 18 मार्च यानी गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन है। इससे पहले बुधवार को सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से सदन में हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 और हरियाणा खेलकूद विधेयक 2021 भी पेश किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 2021-22 के लिए विधानसभा की कमेटियों के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। लोक लेखा समिति का प्रस्ताव पास हुआ, प्राकलन समिति का प्रस्ताव पास हुआ, लोक उपक्रमों संबंधी समिति का प्रस्ताव भी पास हुआ और एससी एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए समिति प्रस्ताव भी पास हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने पीएससी का चेयरमैन विपक्ष से होने की मांग की। उधर सदन में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके जिले में किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इसके चलते किसान परेशान हैं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जब भी ऐसी आपदा आती है तो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की जाती है। उनके मुताबिक कोई नुकसान नहीं है लेकिन इसे दोबारा चेक कराया जाएगा। बेरी हल्के के 49 गांव में डैमेज है और वो 60% से 80%। इसलिए मेरा कॉल अटेंशन मौसम स्पीकर सर, एक किसान है, वो मेहनत करता है, बांटता है, सारा बीज बोता है, वीडिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो गिरता है, उखाड़ करता है, पानी देता है उसमें, और वो जो फसल तैयार होती है वो उसके सपने होते हैं कि भाई मेरा सपना मैं अपने बच्चों के हाथ पीले करूंगा, मैं को दूसरे खर्चे निकालूंगा। और फिर इस तरह से अगर ये बात हो गई तो ये जो है ना जी, ये रिपोर्ट जो है ये रिलायबल नहीं है और इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप कमेटी बनाओ। जब कोई इस तरह की आपदा आती है सरकार डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगती है और उसके आधार पर अगर डिप्टी कमिश्नर कहे कि भी खराबा है तब स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं। अब आपने खुद ही बताया है, डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट किया है कि कोई फसल के नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है और एक बात दोबारा पूछवा लेते हैं। आप ये हक की बात कर रहे हैं, किसान के हक की बात है। आप डिप्टी कमिश्नर आपसे संपर्क करेगा, कहीं खराबा दिखाओगे तो हम उसको कहेंगे कि वो जो सही वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी भेजेंगे। किसानों के बाद कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीपीएल परिवार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें बीपीएल के मापदंडों को बढ़ाने या इसके अंतर्गत मिलने वाले कार्ड में कोई फेरबदल किया जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास बीपीएल मापदंडों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन किसी बीपीएल परिवार की आय 1,80,000 से ज्यादा हो जाती है तो परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी। नहीं, पहले तो 8856 सर, डिटेल्ड आंसर इज ऑन द फ्लोर। आंसर जो आपने लिखा है इसमें, आपने कहा है कि इसमें कोई नॉर्म्स डिवाइस करने की बात नहीं है। आपके मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार का कोई प्रपोजल है फैमिली कार्ड बनाने का? अगर क्योंकि वो फैमिली कार्ड अगर बनेगा और इशू होगा तो उससे जो है इनकम जो है 1.80 जो है वो उसके अंदर दर्शाई जाएगी
और नतीजा ये होगा कि जिसकी भी इनकम उससे ज्यादा नजर आ रही है फैमिली कार्ड में, तो वो उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। तो ऐसी कोई प्रपोजल है क्या? ये जो आय अगर उनकी पूरी फैमिली कार्ड के अंदर ज्यादा नजर आई तो वो कटेंगी क्या, ये बताइए मुझे आप। क्या फैमिली कार्ड? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया था कि 1,20,000 की आय को बढ़ाकर बीपीएल परिवारों के लिए 1,80,000 करने का काम किया था। माननीय सदस्य कल सदन में शाम को नहीं थी जब मुख्यमंत्री ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा और उसके अंदर बड़ी डिटेल तरीके से बताया कि हमारी सरकार ने एक विभाग बनाया है क्रेडिट, और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से तमाम परिवारों को हम एक कार्ड के अंदर लाने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अधिकतम परिवारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैं तो उम्मीद करता हूँ माननीय सदस्य भी कराने का काम करें, जिससे परिवार की आय भी प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो और आने वाले समय में जो फैमिली इनकम 180 है उसको मॉनिटर करकर जो एडिशनल बीपीएल बनने हैं उसको हम दुरुस्त तरीके से बना पाए। मैं माननीय सदस्य को बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जब सरकार ने 1,20 से 1,80 आय करने का काम किया बीपीएल के अंदर, उसके अंदर तमाम उन निर्धन परिवारों को जिनकी आज आर्थिक हालात कमजोर है उनको व्यवस्था देने का सपना लेकर हम बढ़े, और इसके अंदर 1,00,000 परिवारों को इस बजट में स्पेशल हेल्प देने की भी अनाउंसमेंट करी गई है। बिल्कुल जैसे ही कोई 1,80,000 का आंकड़ा पार करता है, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम ये चलेगा, इसके अंदर जो भी क्रॉस करेगा उसके टाइमली रिवाइज होते रहेंगे। इस बीच एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए गठित कमेटी से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी ने कहा कि हमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं है, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के दो विधायकों ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए गठित कमेटी से किनारा किया है, उससे साफ है कि किसानों के बहाने एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। ऐसे में गुरुवार को सत्र के आखिरी दिन हंगामे के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी है, और विधानसभा के सत्र के दौरान कई विषयों को उठाया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरा और सरकार की तरफ से कई जवाब दिए गए, जिससे विपक्ष संतुष्ट नजर आया, और कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछे जाते रहे। और ऐसे ही सवालों को सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, और जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ प्रवक्ता रजवंत डहिनवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेणु अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वेणु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं वेणु जी, शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सदन के भीतर और बाहर किसानों के विषय को रख रही है, और अभी तक जितने भी दिन रहे हैं हर एक दिन किसानों की बात जरूर हुई है, विपक्ष के तौर पर आपने सरकार के सामने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अब जब एपीएमसी के अंदर संशोधन की बात की जा रही है, मंडियों में सुधार की बात की जा रही है, और इन्हीं संशोधनों के लिए कमेटी तैयार की गई, तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं उस कमेटी से। जी शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी शुरू से, पहले दिन से और आखिर तक किसानों के साथ खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब हमारा किसान भाई केवल एक ही बात चाह रहा है कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम तीनों काले कानून वापस चाहते हैं, तो ये लोग क्यों संशोधन के नाम पर बार बार जनता को बरगलाना चाहते हैं? तो इसीलिए हमारे वेणु अग्रवाल जी, जो मंडियां हैं, मंडी सिस्टम के अंदर बदलाव के लिए कमेटी बनाई गई है, आप ये तो कह रहे हैं ना कि मंडियों के अंदर सुधार करना चाहिए, घुमा फिरा कर बात इन्होंने फिर वही, ये तीन कानूनों की बात नहीं है, ये मंडियों के अंदर सुधार की बात है, जिसके लिए चाहे कोई भी किसान संगठन हो या कांग्रेस पार्टी खुद हो, उसी से कनेक्टेड है, मंडियां भी उसी से कनेक्टेड है। वो तीनों काले कानून जो है वो मंडी के ऊपर ही तो सबसे ज्यादा प्रभावित, मंडियों से ही तो सबसे, नहीं तो आप क्या चाहते हैं? कोई कदम उठाना ही नहीं चाहिए, सुधार भी नहीं हो, तीन कानून वापस हो वो बात अलग है, लेकिन एपीएमसी, हम अपने देखे किसान भाइयों, जब किसान भाइयों को 12 बार उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया, और हमारे किसान भाई, वेणु अग्रवाल जी, ये दो अलग अलग विषय है, ये दो अलग अलग विषय है, अलग नहीं जा सकते, तीन कानूनों के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है।
तीन कानूनों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये तीन कानूनों के बारे में बात हो ही नहीं रही है। एपीएमसी एक्ट जिसके अंदर संशोधन या फिर उसके अंदर कहीं भी कोई सुधार का रास्ता, इसके लिए तो शिकायतें करते रहे ना। अभी भी इस आंदोलन के दौरान ये कहा जाता रहा है कि आप एपीएमसी को सुधार लो, मंडी सिस्टम के अंदर सुधार लाने की जरूरत है। केवल गुमराह कर रही है, लोगों को बरगला रही है। हमारे किसान भाई आज जिस बात पर अड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और जैसा वो चाहेंगे वही हम उनके साथ करने को तैयार। यानी कि मंडी सिस्टम ठीक है? हमें ऐसा मंडी सिस्टम अगर ठीक होता तो बात ही क्या थी। तो वही तो कह रहे हैं सरकार के वेणु अग्रवाल जी, वही तो कहा जा रहा है कि उस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई तो संशोधन होना चाहिए ना, उसमें सुधार कैसे होगा? देखिए आप ये बता दीजिए ठीक क्या है इस सरकार के राज में। उस ठीक को करने के लिए ही तो विपक्ष इतना स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। विपक्ष बिल्कुल डट कर खड़ा है अपने किसान भाई के साथ, हर वर्ग के साथ खड़ा हुआ है। और अगर वो इस बात को ठीक समझते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग बड़े नेता हैं, अगर वो लोग इस बात को सही समझते हैं तभी उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। उसमें कोई दोराय नहीं है, कोई गलत नहीं है। नहीं वेणु जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एपीएमसी मंडी सिस्टम जो आज तक बना हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसा किसने कहा कि सुधार की जरूरत ही नहीं है? तो उसी सुधार के लिए ही तो संशोधन करने के लिए कमेटी तैयार की गई थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों को उसमें उस कमेटी के अंदर शामिल किया गया था। बीबी बत्रा और किरण चौधरी इसीलिए तो उस कमेटी के अंदर थी। लेकिन अगर उस कमेटी के अंदर कोई भी सुझाव दिया जाता आपके द्वारा, अगर संशोधन के लिए आप एक तरफ ये मान रहे हैं कि कमियां हैं मंडी सिस्टम के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाना। देखिए विपक्ष की आवाज को या आम जनता की आवाज को ये लोग कब चलने कब देते हैं? ये लोग तो केवल आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो इससे पहले कि वो आवाज दबाई जाए, हमारी आवाज का रुख कुछ और है। आवाज हम उठा रहे हैं, हम अपने तरीके से उठा रहे हैं, हम इनके अकॉर्डिंग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आवाज का रुख दूसरा है, आवाज का रुख जनता के हित में है, किसान के हित में है। ये लोग केवल बरगलाने की और गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो कमेटी बनाई गई है, आज उन्होंने इस तरह से वेणु जी वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो कमेटी बनाई गई है आपको लगता है कि ये सिर्फ खानापूर्ति है? आप बार बार उसी बात को क्यों खींच रहे हैं? और भी बहुत से प्रस्ताव आए। मैं आपको कह रही थी यदि उन्होंने उन सभी चीजों पर निर्णय लिया तो ये उनका निर्णय सही था और ये उन्होंने किसानों के हित के लिए लिया, जनता के हित के लिए। आपको लगता है कि कमेटी जो बनाई गई है वो कोई आधार नहीं है या कुछ उससे बदलाव होने वाला नहीं है, ऐसा आपको नजर आता है? इसलिए जो विधायक, देखिए अब सरकार तो इस टाइम जो सरकार की जो मंशा है ना जी, एक ये मनचले लड़के की तरह हो रही है जो कहता है मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो इस वक्त तो सरकार टोटली अपनी मर्जी पर उतरी हुई है, किसी तरह से किसी जनता के प्रति उनको ना कोई संवेदना है ना उन्हें कुछ लेना देना है। जो उनके खुद के जिनके बल पर उन्होंने सरकार बनाई है जेजेपी की, आज जेजेपी भी उन्हीं के दबाव में है। आज आप बताइए जेजेपी के हमारे नेता अपने ही गांवों में नहीं जा सकते, अपने ही गांव में रैली नहीं कर सकते, अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि अगर हमें वहां जाना है तो हमें लोहे का कवच पहनना होगा। तो देखिए आप स्थिति क्या है, आप स्थिति बताइए ना कि सरकार की कितनी बुरी स्थिति है। केवल हठ धर्मिता उन्होंने अपनाई हुई है, दबाने का काम कर रही है और बिल्कुल हर तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को जो कुचलने का आज काम किया है बहुत निंदनीय, बहुत दुखदायी स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाटी साहब बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भाटी साहब आपने सुना होगा वेणु अग्रवाल जी ने कहा कि ये जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने की जो बात की जा रही है इसके लिए कमेटी तैयार की गई और इस कमेटी के अंदर दो कांग्रेसी विधायकों को भी शामिल किया गया लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया आज उस कमेटी से। क्या असल मायने में जो अभी तक कहा जाता रहा था कि मंडी सिस्टम के अंदर सुधार लाने की जरूरत है और तीन कानूनों को अलग रखा जाए लेकिन मंडी सिस्टम के अंदर तो सुधार लाने की जरूरत है ये हर कोई कह रहा था, तो अब जब उसके अंदर संशोधन की बात की जा रही है, इसके लिए कमेटी तैयार की गई है, विपक्षी नेताओं को उसमें शामिल किया गया है, तो ये कह रहे हैं कि ये इससे कुछ होने जा रहा है नहीं है, किसानों के साथ खड़े हैं वो? देखिए विपक्ष का सहयोग कभी रहा नहीं, सरकार हमेशा पॉजिटिव रही है, चाहे कमेटी बनाने की बात हो या उससे पहले वार्तालाप की बात हो, सरकार ने हमेशा पॉजिटिव स्टेप लिए हैं। ये केवल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां उनके पास मुद्दे हैं कि वो मतलब केवल और केवल किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। सरकार की पहल हमेशा इस मुद्दे को किसानों को साथ लेकर के, अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है, पहले भी सरकार ने कहा है और कमेटी भी बनती है, उसके सुझाव अगर सकारात्मक है तो सरकार मानने को तैयार रहती है, यही सब कमेटियों का मकसद। वेणु अग्रवाल जी तो ये कह रही हैं कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। इसमें मनमर्जी का मामला कहाँ है? जो जैसा
समय के अनुकूल लोगों की डिमांड में आ रही है, जिस तरह से लोग चाहते हैं उस तरह से सरकार कर रही है। सरकार ने कानून जो बनाया उस समय भी लोगों से आपत्तियां मांगी थी, और जिन्होंने कांग्रेस तो उससे मुकर के चली गई, कभी उन्होंने हिस्सा लिया नहीं डिबेट में। इसलिए ये कांग्रेस का सकारात्मक रुख कभी रहा नहीं है, और मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से ये सब एक सार्थक पहल है। और इसके छोड़ने का रहा है, आप लोग अपने हर गलत काम का ठीकड़ा विपक्ष पर कांग्रेस पर फोड़ते हो, सही दिशा में आप लोग काम कर नहीं सकते। तो किसानों के लिए वेणु अग्रवाल जी, अगर किसानों के लिए ठीक है निर्णय होता है और फिर आप ठीकड़ा फोड़ते हो कांग्रेस पर और विपक्ष पर, लेकिन अगर किसानों के लिए संशोधन की बात है या उनके लिए सुधार की अगर बात है तो कोई तो उसके लिए सुझाव दिया जा सकता था इस कमेटी में रह करके, या किस कमेटी पर ही भरोसा नहीं है? शुभेंदु जी यही बात समझ लीजिए, आपकी कमेटी पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, उनके किसी भी निर्णय पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने भरोसा तोड़ा है, हमेशा तोड़ा है, जनता का भरोसा तोड़ा है पहले दिन से। जब पिछली बार था, आप देखिए मोदी जी क्या बड़े वायदे करके आए थे, जो 15 लाख का सबसे बड़ा वायदा था, तो क्या जरूरत थी करने की? और किया था तो उसका कुछ हिस्सा ही दे देते। ठीक है, तो भरोसा तोड़ने के लिए तो ये सरकार हमेशा से ऊपर रही है, तो भरोसा की तो आप बात ही मत कीजिए, बहुत सारे ठीक है भरोसा तोड़ दिया गया और इसी हो जाएगी। इसी वजह से कमेटी से अलग हो गए हैं। मैं रजवंत जी आपसे जरा जवाब लूंगा, लेकिन योगेश कौशिक जी, ये जिस भरोसे की बात की जा रही है और इसको आधार मान करके कमेटी से अलग हो जाना, हालांकि वेणु अग्रवाल जी तीन कानूनों को और इस एपीएमसी को एक साथ मानकर चल रही हैं, लेकिन इससे अलग हो जाना कितना सही है? या फिर जो बात वो कह रही हैं कि भैया हमें तो सरकार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, इसलिए कमेटी का ही कोई औचित्य नहीं? देखिए मैं दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट इनकी जो भी परेशानियां थी, जो अपोज जिस चीज को कर रहे थे, वो कम से कम ऑन पेपर्स आता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अगर जैसे वेणु जी कह रही थी, मैं उनसे सहमत हूं कई जगहों पे, कि जो ट्रैक रिकॉर्ड की बातें हैं ना, उनमें इसी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बड़ी विचित्र सी बातें हैं। जैसे लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ, एपीएमसी की बात नहीं कर रहा, लोकसभा में किसानों का बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास कराया गया जबरदस्ती, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा आगे, हरियाणा के अंदर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस को पता था कि गिर जाएगा। हम यही टीवी पे बैठ के बात कर रहे थे कि भाई आंकड़े ये कहते हैं कि गिर जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन मैं यहां पे अपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे थोड़ा सा मुझे ना अच्छा नहीं लगता। सेम चीज अभी अमेरिका में भी हुई थी, और अमेरिका में विप जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक जो है वो दोनों के दोनों आजाद थे, भाई अपनी मर्जी से आप वोट डालो। अगर ये अपनी मर्जी से वोट डालने का सिस्टम यहां भी और विप जारी ना करें तो शायद नतीजे कुछ और होते, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब संपूर्ण डेमोक्रेसी नहीं है अभी, है ना। अब मैं आता हूं कि जो वेणु जी कह रही थी उनमें क्या है कि कमेटी के अंदर 5 लोग हैं, जो अभी अभी आपने बोला है, 5 में से 2 हैं कांग्रेस के और 3 हैं बीजेपी के, और अगर ये बैठ जाते हैं और वो कोई भी चीज मनवा, अल्टीमेटली तो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर बात करें तो 3 उनके हैं, तो जो वो कहेंगे मानना तो वही पड़ेगा, और मान लो कोई गलत चीज पास होती है जो कि उनको शक है कांग्रेस को, तो वो पास हो गई तो ठप्पा तो इनका भी लग गया ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई वो कह देंगे डेमोक्रेटिक तरीके से पास हुआ है और इट शुड बी एग्रीड बाय एवरीवन, तो वो इनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। अब मैं थोड़ा सा एक बहुत पुराना उदाहरण दे देता हूं, जब भीष्म पितामह सामने बैठे थे और भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस पे आज तक सवाल उठते हैं कि भीष्म पितामह अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो वहां मौजूद क्यों थे। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस के सामने आ गई, कांग्रेस रोक नहीं सकती उन्हें, कांग्रेस की परेशानी यही रहेगी कि नंबर में वो हार जाते हैं, भाई लोकसभा में भी नंबर नहीं है, अब यहां विधानसभा में भी नहीं है, इसका मतलब पास तो होना ही है, तो अपनी फेस सेविंग कैसे करें और कैसे वो जनता के साथ या किसानों के साथ नजर आए, उसका एक ही तरीका बचता उनके पास। ठीक है, हालांकि आज हम एक चीज करते हैं, हम एक बात करते हैं कि उस टाइम पे जब अभय सिंह चौटाला ने छोड़ा उस टाइम हम कहते थे कि ठीक किया, लेकिन आज जब वोटिंग होने लगी, देखो हर समय परिस्थितियां बदलती हैं, जब वोटिंग होने लगी तो हमें लगा नहीं कि आज अगर वो होते तो एटलीस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट मिलती और लोगों को भी लगता कि हाँ भाई हमारे साथ कोई खड़ा है। ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब लूंगा भाटी साहब से, लेकिन उससे पहले मैं जरा रजवंत जी एक जल्दी से रिएक्शन लेता हूं, आपको क्या लगता है किसानों की बात के लिए और जो कहा जा रहा है कि मंडी सिस्टम के अंदर कुछ सुधार की जरूरत है भी या नहीं, सबसे बुनियादी सवाल तो यही है, सुधार लाना चाहिए या उसमें जरूरत है या नहीं है, या जो चल रहा है वो ठीक?
देखिए सुधार की जरूरत निश्चित तौर पे है। सुभेंद्र जी सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर सरकार ये चाह रही है कि सुधार होने चाहिए तो निश्चित तौर को इनमें सुधार की अपनी गुंजाइश बचती है, अपने विचार रखें, भागने से पीछा काम नहीं चलेगा। जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में जैसे अभी हमारे प्रदीप जी कह रहे थे, कौशिक जी कह रहे थे कि उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने किसानों का साथ देने का काम किया था। किसान उनको चाहते थे कि आप इस्तीफा दे के आए, ताकि आपको देख के और भी लोग अगर इस्तीफा देते हैं तो हमारा पक्ष मजबूत होगा। उन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया था और उनको भी पता है, और आज ये कांग्रेस वालों को भी मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार अभी हमारी बहन प्रवक्ता कह रही है कि कांग्रेस अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी कर रही है, अगर आपकी वहां पे चल नहीं रही तो आप फिर वहां पे क्यों बैठे हो? आप जनता की अदालत में जाओ ना, आप अपना वहां पे फरियाद क्यों करवा रहे हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात करा ले या वैसे भी करा ले, जब इनको ये पता था कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे गिरना है तो फिर आप वहां पे इस मतलब मजबूती के नहीं रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है, और विधायकों को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया इन्होंने। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है, व्हिप होना एक अलग चीज है, मतलब हर विधायक ये जरूर चाहता है चाहे सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने कदम नहीं उठाया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो आए लेकिन उसके पीछे मजबूती नहीं थी, आधार नहीं था कोई बड़ा, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाली स्थिति बना दी कांग्रेस ने। और मैं बार बार यही कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये जिस प्रकार एपीएमसी मंडी की बात करें या उससे पहले कुछ भी बात करें, जब ये इस कानून को लेके आए थे, कांग्रेस इस कानून को लेके आए थे, तो कांग्रेस को एक बार ये तो बताएं कि उस समय इस कानून में ऐसा क्या था कि ये लेके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी, और आज भारतीय जनता पार्टी ये लेके आई है तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो असल में जो किसानों की हितैषी है, क्योंकि वो कांग्रेस का भी उस समय विरोध कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का भी आज विरोध कर रही है, वो सिर्फ इसी वजह से कर रही है कि हम चाहते हैं कि किसानों के हित की बात हो, किसानों को वो सुविधाएं मिले जिसकी वो असल में हकदार है। चलिए ठीक है, ठीक है, किसानों की बात है और इसलिए किसानों की बात सदन के भीतर भी उठ रही है लगातार, इसको लेकर के मैं जवाब लूंगा वेणु जी से भी और भाटी साहब से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन कमेटी को लेकर के जो कोहराम मचा हुआ है, इसको क्या ये माना जाए कि सीधे सीधे ये एक फैसला था या इसके पीछे गहराई? सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए, जरा जल्दी से बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और मैं जरा भाटी साहब से जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये कहा जा रहा है सर कि भरोसा नहीं है, और इस सदन के दौरान बहुत सारे सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए और यही आधार बताया गया कि अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि मनमानी कर रहे हैं, सुनाई किसी की नहीं होती है, विपक्ष तक को नहीं सुना जाता है। सुमंद्र जी देखिए, आप एक भी कदम सरकार का ऐसा नहीं बता सकते जिसमें कहीं मनमानी दिखाई देती हो। देखिए जब ये कृषि विधेयक आया था तो उस समय ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, जनता से ऑब्जेक्शन भी लिए, उसके अलावा जब सदन में देखिए विपक्ष का काम डिबेट करना होता है और उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है तो उस बात को उठाना होता है, लेकिन उस समय पूरी की पूरी विपक्ष वॉकआउट कर गई और उसके ऊपर कोई इन्होंने चर्चा नहीं की। और इसके अलावा 11 बार माननीय नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी ने 11 बार किसानों को बुलाया, उनके डेलीगेट्स को बुलाया और उनसे बार बार पूछा, लेकिन उन्होंने कभी भी केवल और केवल काला कानून सर, लेकिन कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य है उसकी कौन सी धारा काली है? साहब अब ये तो बताना पड़ेगा, के लिए जो आपने कमेटी बनाई उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक इसलिए अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, और इस बात को योगेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया भी है कि अगर कल को आप, क्योंकि तीन तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के उसमें सदस्य हैं, तो यानी कि उनको मजबूरी वश जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उनमें उनकी भी सहमति बन जाएगी। सुमंद्र जी देखिए यही तो बात है, 2010-11 में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, और उनकी अगुवाई में ये विधेयक पास किया गया, ये प्रस्ताव लाया गया कि मंडी व्यवस्था को खत्म किया जाए और जो जो सरकार जो जो उसके ऊपर जो जो और दूसरी रियायतें दे रही हैं वो सब्सिडी को खत्म किया जाए, दूसरी उनको खत्म किया जाए, ये माननीय हुड्डा जी के नेतृत्व में हुआ। उसके अलावा 2012 का अपने चिदम्बरम जी का और इनका बयान है, कपिल सिब्बल जी का बयान है, उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म कर दो। आज यही है, ये किस मुंह से उस समिति को, ना तो ये हाँ कह सकते ना ये ना कह सकते,
इनके लिए तो ना निगलना बन रहा है ना छोड़ना बन रहा है, इसलिए कांग्रेस का जो रुख है केवल और केवल बरगलाने वाला है। पूरे देश में कांग्रेस को कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है, ये केवल अपनी जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर ये उस समिति में आते हैं, आप देखिए इन्होंने क्यों रिजाइन किया है, रिजाइन इसलिए किया कि उसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है जो किसान के विरोध में हो। ये आज तक कोई ऐसा उसका कोई पैराग्राफ, कोई उसका प्रोविजन, कोई धारा नहीं बता पाए जो किसान के विरोध में जाती हो, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया है। इसलिए ये केवल इनका दोगला चरित्र है और वो कांग्रेस का उजागर हो गया, आज पूरा देश देख रहा है। वेणु जी इस पर जवाब दीजिए जरा। वो तो ये कह रहे हैं कि आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, आप किसानों के साथ खड़े होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, असल मायने में आप चाहते ही नहीं कि सुधार हो। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं अपने इनेलो प्रवक्ता भाई का जवाब दूंगी कि उन्होंने क्या कहा, दोबारा एक बार आप रिपीट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एपीएमसी की जो कमेटी तैयार की गई है, अगर आप उससे बाहर हो रहे हैं तो विधानसभा के अंदर अगर आपकी सरकार सुन नहीं रही है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं। ये वो अपनी, मैं यही बात सुनना चाह रही थी आपसे कि वो अपनी झेप मिटा रहे हैं, ऐसा कहकर अपनी झेप मिटा रहे हैं कि जो उनके पास एक सीट थी आज उनके पास वो भी नहीं है। एक शब्द होता है शेखी बघारना, समझते हैं ना, और शायद उस दबाव में या उस प्रभाव में हम अपनी बात पे आज भी अडिग हैं। हमने यही चीज कहा था, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यही कहा था कि अगर मैं किसानों के, अगर किसानों के हित की बात नहीं कर सकता है तो मेरे वहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए आप भड़केगा मत, सच्चाई को सुनिएगा। नहीं भड़क नहीं रहा, भड़क नहीं रहा वेणु जी, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा और वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। अगर वहाँ पे आप देखिए नहीं जा रही के अपने खानदान में जो नहीं, देखिए आप दोनों का मकसद तो एक ही था ना, आप दोनों का मकसद ये था कि आप किसानों के साथ में हैं, एक ने पहले इस्तीफा दे दिया, एक कह रहे थे कि हम विधानसभा के भीतर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, मकसद तो एक ही था, तो वो रास्ते अलग अलग हो गए। जिनको बताना चाह रहा हूँ जब विधानसभा के भीतर ये ताकत नहीं दिखा पाए तो इनका वहाँ पे ठहरने का मकसद क्या है। आप तो मैदान छोड़कर भाग गए, आप वहाँ रहकर आवाज। नहीं हम मैदान छोड़कर नहीं भागे, किसी ने सुननी नहीं है। वेणु जी मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अगर आप समझ जाओ तो कि अगर आपकी विधानसभा में नहीं सुनी जा रही तो आप जनता की अदालत में जाएंगे। हम तो जनता की अदालत में बैठे हैं, ठीक है, विधानसभा में अगर हम कमजोर हैं तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। नहीं इसका मतलब ये, इसका मतलब ये रजवंत जी वहाँ पे विश्वास, इसका मतलब ये कि इस्तीफा देकर के वापस आ जाएं, हार गई है, इस्तीफा देकर के वापस आ जाएं, जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना वो छोड़ दें हम। खैर वो उपचुनाव अब आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा से उसका हो जाएगा जो भी निर्णय होगा। हम भाटी जी की बात पर वापस आते हैं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बरगला रही है। आपको हम ये कहते हैं कि आप बॉर्डर पर जाइए, किसानों को समझाइए, कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा वहां नहीं होगा। अगर किसान आपकी बात को समझ जाए और वापस चले जाए तो हम मान लेंगे इस बात को कि कांग्रेस उनको भड़काकर इस आंदोलन में शामिल है। आप इतनी बार उनको बुला चुके हैं, वार्ता कर चुके हैं, भाई किसान इतना अकलमंद होता है कि खड़ी फसल के दाने बता देता है और वो इन कानूनों को नहीं समझ रहा। आप कह रहे हैं इसमें काला क्या है, आप ये बताइए कि जो एसेंशियल कॉमोडिटी का आप एक्ट लेकर आए हैं, आप जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मुनाफाखोरी को जो कि एक पाप कहा गया है, संग्रह करना एक पाप है शास्त्रों में, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें काला कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसमें पार्ट नहीं लिया डिबेट में। आप मुझे ये बताइए कि बिल आने से पहले अडानी जी के गोदाम का निर्माण हो चुका था, गोदामों का निर्माण हो चुका था, यानी प्री प्लान्ड था सब कुछ जो उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया था, सत्ता लाने में जो उन्होंने उनका सहयोग दिया था, उस सहयोग का बदला उतारा गया है और बदला भी बड़े खुले दिल से उतारा गया है, जनता का अहित करके उतारा गया है, किसान भाई को मजबूर और उसको बेबस करके उतारा गया है। ये बार बार कह दिया जाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भाटी साहब ये सब कुछ इसी आधार पर किया गया है, ये कानून लाए इसी आधार पर है, ये कह दिया जाता है। शुभेंद्र जी देखिए, मेरी बहन ये रेणु जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही हैं, शायद इनको कांग्रेस का अतीत पता नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सर पर्सनल कमेंट नहीं, इनको ये नहीं पता, ये जो ये कहते हैं अडानी अंबानी ने गोडाउन, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, ये कहती है अडानी अंबानी ने गोडाउन बना लिए। आप सुनिए रेणु जी, सुन लीजिए, आप मैंने आपकी बात सुनिए जरा,
ये जो सुनिए जरा, आप सुन तो लीजिए, ये गोडाउन क्यों बने हैं? गोडाउन इसलिए बने हैं कि एफसीआई केवल एक एजेंसी केंद्र सरकार की थी जहां इस खाद्यान्न को स्टोर किया जाता था। सरकार का ये भी माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार का निर्णय था कि गेहूं का जो खराब होता है उसको बचाने के लिए गोडाउन बनाए जाएंगे और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उस समय की ये योजना है जिसमें खाद्यान्न की सुरक्षा अधिनियम लाया गया, उसके तहत ये गोडाउन बने हैं और उसको जोड़ रहे हैं किसान जो एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया है। सुनिए, ये कांग्रेस की समझ है, ये कांग्रेस ने जो काम किए उनको खुद नहीं पता है। आप सुन लीजिए रेणु जी, आप सुन नहीं रही हैं, आप सुन तो लीजिए। उसके अलावा आप कहते हैं गोडाउन पहले कैसे बन गए, ये गोडाउन पहले नहीं बने, ये खाद्य सुरक्षा में गोडाउन बने हैं। आप ये बात आप लिख लीजिए और आप कल जाके पता कर लेना, आरटीआई लगा लेना। दूसरी बात, जो कांग्रेस, मैंने बरगलाने की बात ऐसे नहीं कही है, मैंने इसलिए कहा है कांग्रेस का, सुनिए, कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, पहले लोगों के खिलाफ काम करो और अब जब हाशिए पर आ गए हैं तब वो लोगों के साथ खड़े हो जाओ। किसान का कहीं अहित नहीं है। आज किसान बॉर्डर, ये कहते हैं बॉर्डर पर जाइए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बॉर्डर पर जाएगी? हम थोड़ा भी उन किसानों को बॉर्डर पर लेके आए, बॉर्डर पर लेकर के आप आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, आप उनको कभी शहीद बताने का काम कर रहे हैं? आप ये नहीं बता कि आपने लोगों का अहित कितना कर रहे हैं? लेकिन लेकिन भाटी साहब, भाटी साहब, एक बड़ी संख्या में किसान अभी भी बॉर्डर पर हैं, भाटी साहब, आज भी बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर हैं, तो उनको वापस घर भेजने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि ये जो कानून है ये किसानों के फायदे में है, ये बताने के लिए कम से कम उनको समझाना तो होगा ना, या ऐसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान? भाटी साहब, इतनी निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल केवल और केवल एक कानून बनाने का काम ही नहीं, आज पूरे देश में एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहा है जिसमें घर घर तक हम अपने इस प्रचार को लेकर जा रहे हैं कि किसान कानून गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है विधायकों को, क्या क्या फायदे हैं। विधानसभा सदन के भीतर विधायकों ने ये बात रखी है कि हमें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं सुनिए जरा, जो एक एक सुनिए जरा, एक विधायक की बात जो दुहाना से है उनकी बात को आप कोट कर रहे हैं, एक सुनिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, कहाँ कार्यक्रम रुके हुए हैं? अगर डर होगा तो कांग्रेस को होगा, डर होगा तो INLD को होगा। मैं पूछता हूँ, अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन क्यों दिया? करोड़ों रुपए हरियाणा की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको बर्बाद कर दिया, फिर आप पहले विधायक क्यों बने थे जो आज रिजाइन कर रहे हैं? भाटी साहब, आदरणीय भाटी साहब, एक चीज बताएं, आपके गांव के कार्यक्रम बन रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, उप मुख्यमंत्री जी को गांव में घुसने नहीं दे रहा, आपके मुख्यमंत्री जो है उनको गांव में घुसने नहीं दे रहा, आपके कहां के कार्यक्रम पे है? कार्यक्रम तय करो आप सिंगू बॉर्डर के, आप यहाँ पे खेड़ा बॉर्डर के, उस गांव का नाम बता दो जिसमें मुख्यमंत्री जी को नहीं दर्शन दिया जा रहा है। अरे भाई, आप गलत प्रचार कर रहे हैं, आप गलत प्रचार कर, यानी कि कोई डर नहीं है जेजेपी और बीजेपी को, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, गांव में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, किस बात का है? ठीक है, योगेश कौशिक जी, ये हालांकि सबसे पहले रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, उसके बाद ठीक है भाटी साहब, ठीक है रजवंत जी, योगेश कौशिक जी, नहीं एक्चुअली मैं ना वहां से शुरू करना चाह रहा हूँ जहां से रजवंत जी कह रहे हैं कि उन्होंने, अभय सिंह जी ने निर्णय सही लिया। मैंने भी उस समय सोचा कि उन्होंने निर्णय ठीक लिया, मैं उसको उस वक्त ठीक मान रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो उसको एनालाइज किया जाता है, तो उस एनालिसिस में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो पता नहीं अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, वो क्या है कि अगर अभय चौटाला जी होते विधानसभा में उस वक्त होते
तो जो जेजेपी है, जेजेपी तो बेसिकली इनेलो से निकली हुई है ना, तो जेजेपी में जो जो भी एमएलए थे उनको वो प्रभावित कर सकते थे। और देखिए जहां पे नंबर गेम है वहां तो नंबर आपको दिखाने ही पड़ेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से भी वो काम हो सकता है। नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना फिर, तो भाई वो तो बाहर है, उनको उनको कौन एक्सेप्ट करेगा। भाई देखो ऐसा राजनीति में श्रेय भी तो लेना होता है ना, सामने होते तो उन्हें श्रेय भी मिलता और वो श्रेय मिला उनको। मैं बताता हूँ कैसे। राज्यसभा का चुनाव था, राजमंत्री जी याद रखना आप, आर के आनंद और सुभाष चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे थे और उसमें बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त घपला किया, लेकिन इनेलो पूरी की पूरी इंटैक्ट थी, आप याद रख लीजिए इसे, ये आपको याद भी होगा। और कांग्रेस जो है उसमें उस घपले के बीच में उसकी बीजेपी की, मैं मानता हूं बीजेपी के साथ मिल गई थी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कोई भी किया हो, किसी ने भी किया हो, लेकिन वो चुनाव जो है सुभाष चंद्रा जी हार गए, जीत गए, और आज के दिन वो चुनाव जो है पार्ले उसमें कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब आते हैं हम अगली बात पे। जैसे भाटी जी कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन वापस लेना पड़ा था सरकार को, उसके बाद मैं आता हूं, वार्ता हुई है 11-12, मैं मानता हूं किसी भी वार्ता में किसी भी मंत्री को कोई पावर ही नहीं थी कि वो ये डिसीजन ले सके कि हां मैं आपकी इस बात को सुनने के लिए या इसको करने के लिए तैयार हूं, या मैं इन तीनों को रद्द भी कर सकता हूं। हर कोई जानता है सरकार में फैसले कौन लेता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी फैसला लेते हैं, मोदी जी फैसला नहीं लेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी ने ये फैसला लिया था, मैं इससे सहमत हूं कि भाई हमें क्योंकि हमारा बहुत सारा जो अनाज है वो वेस्ट होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो गोडाउन बने एफसीआई के खाते में नहीं बनाए गए, अब लैंड जो है उन्होंने खरीदी अदानी जी ने, और अदानी जी ने लैंड खरीद के और उसके ऊपर जो बनाया उस पर सरकार से लोन लिया है, और सरकार से लोन लेके एफसीआई का जो अनाज है जो उसके अंदर भरा जा रहा है, अभी भी भरा जा रहा है कई जगहों पे, उसका किराया दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं तीसरी बात बता रहा हूं कि ये क्या जो झोल है इसके अंदर वो क्या है वो बताता हूं मैं। एक्चुअली क्या है, मैं मजबूरी को समझता हूं, लेकिन देश के सामने अगर बीजेपी सरेआम बोलेगी तो उसकी कोई बुराई नहीं है, देश समझेगा। ये समस्या ये है कि आप एमएसपी पे सारा का सारा अनाज अगर खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 15 लाख करोड़ रुपया हाथ में चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। ये कहने में बुराई क्या है? तो अब बात यहां पे आती है कि ओके कोई ना कोई 15 लाख करोड़ लगाने वाला होना चाहिए, तो उसमें अदानी है, अंबानी है, उनके पीछे वॉलमार्ट है, जो भी है ये लोग आएंगे, और भी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश की समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है। तो वो जब 15 लाख करोड़ लगाएंगे तो डेफिनेटली वो मुनाफा भी चाहेंगे। अब यहां पे जो झोल है वहां शुरू होता है कि अब एमएसपी वाली जो प्रॉब्लम है यहां से शुरू होती है कि जहां जहां उन्हें किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी वहां तो बेचारा किसान बर्बाद हो जाएगा। अब तीसरी बात और करता हूं, मैं नॉलेज में डाल देता हूं, मेरे अगर ये चाहें तो मैं नंबर दे दूंगा, गुड़गावा के अंदर फ्रूट के वो अध्यक्ष हैं नवीन मारवा, उनसे बेशक बात कर लेंगे। हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या आई है, जहां जहां प्राइवेट घुसे हैं उन्होंने क्या किया जी, सेब आज के दिन वो सेब खरीद रहे हैं शिमला में, अपने पूरे हिमाचल में और कश्मीर में, वहां सेब खरीद रहे हैं 20 रुपए किलो, और वो 20 रुपए किलो का सेब गुड़गावा के अंदर बिक रहा है 150 रुपए किलो। ठीक है, ये समस्या अगर किसान को 20 मिला और अगर उपभोक्ता को 150 रुपए मिला तो ये तो देश में इतना बड़ा डिफरेंस ला देगा और इकोनॉमिकल डिफरेंस ला देगा, संभावनाओं को लेकर तो इन संभावनाओं को आप इनकार नहीं कर सकते। ये होगा, और मैं आज बता रहा हूं अच्छी चीजें सारी की सारी एक्सपोर्ट होंगी, ज्यादा रेट में होंगी, मैं रेट भी बता देता हूं, कनाडा में, अमेरिका में, जापान के अंदर 300 रुपए किलो चावल है, तो वो 300 रुपए चावल को बाहर बेचना पसंद करेंगे तो हमारे यहाँ के रेट बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसान जब जब अच्छा काम करता है, अच्छा का मतलब जब जब ज्यादा पैदावार करता है, तब तब उसके रेट डाउन हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो उसमें मुनाफा कमाती हैं, तो उसका सॉल्यूशन बैठ के सरकार को करना चाहिए, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है भाटी साहब, जवाब, ये संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर तो किसान भी आज सड़कों पर है ना, और इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। सुभेंद्र जी, योगेश शर्मा जी, योगेश कौशिक जी यहां पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, पर जो विश्लेषण कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं कांग्रेस की हवा तो नहीं लग गई। भाटी साहब प्लीज प्लीज, ये पर्सनल कमेंट नहीं, तो इन्होंने दो तीन उदाहरण बताए हैं, सुनिए। नहीं सुनिए जरा, सुनिए जरा,
कि इन्होंने कहा कि सेब 150 रुपए किलो बिक रहा है, सेब तो 50 रुपए 40 रुपए किलो भी बिका है, तब अडानी अंबानी कहाँ चले गए थे? एक बात। दूसरी बात, आप अडानी अंबानी के प्रवक्ता हैं कि आपने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता कह दिया? नहीं, पहली पहल ठीक है सर। नहीं, मैं प्रवक्ता मैंने नहीं कहा आपको योगेश जी, लेकिन आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे को थोड़ी तो अडानी अंबानी का जिक्र मत करो, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो सकता है। सुनिए सुनिए आप मेरे बहुत, अरे अरे नहीं, सुनिए सुनिए, मैं समस्या का समाधान करने की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं हाँ समाधान की तरफ ही आ रहे हैं, सुनिए मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। आपने कहा भाई प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब एक्सपोर्ट कर देंगे, मुनाफा। देखिए मुनाफा तो कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा तो मुनाफे के लिए काम करेगा, पहली बात। लेकिन आप कहते हैं शोषण करेंगे। जिस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस थी तो बॉम्बे का टिकट था 35,000 का, आज टिकट है 3,500 का, आज टिकट है 2,500 का। क्यों हुआ भाई? प्राइवेट प्लेयर आए तभी हुआ है ना। दूसरा उदाहरण सुनिए, जब केबल और केबल बीएसएनएल और एमटीएनएल था तो टेलीफोन मिलता था 14 साल में, मोबाइल नाम की चीज नहीं थी। आज जो एयरलाइंस की अपना जो इसकी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, रिलायंस आ गई है, एयरटेल आ गई है और बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, उनके आने पर आप अभी फोन कीजिए, फोन ले लीजिए। यही तो इसी को आधार मानकर अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि सरकारी कंपनियां कहाँ हैं, यही और रेल का किराया भी बता दो साथ के साथ। मैं आप एयर का किराया बता रहे तो रेल का भी बता दो साथ के साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस बात को लेकर किसानों के मन में आशंका है कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसा कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक ही उदाहरण और बताता हूँ। जिस समय हरित क्रांति आई थी उस समय जो विरोध आप हो रहा है इसका 4 गुना ज्यादा विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि जो गेहूं विदेश से जो बीज हम केवल बीज मंगाया था, मान्य लाल बहादुर शास्त्री अड़ गए थे, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं बीज हम लाएंगे, फसल बढ़ाएंगे, खेत की पैदावार बढ़ाएंगे, तब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और हरित क्रांति से देश आत्मनिर्भर हुआ। इसीलिए ये बात केवल और ये केवल ये कह देना कि प्राइवेट प्लेयर के आने से शोषण होगा, ये बात तर्कसंगत नहीं है। इसलिए योगेश जी मैंने ये बात कही है। सर मैं आपसे सारी बातों से मैं सहमत हूँ आपकी से, मुझे मैं सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि किसान का सोल्यूशन अल्टीमेटली कैसे निकालेंगे एमएसपी का, ये मुझे ये चाहिए। असल फायदा 16 लाख करोड़ में मैं सहमत हूँ 16 लाख करोड़ आप किसी से भी लगवाओ, उसे फायदा लेने दो, लेकिन आप मुझे ये बता देना साथ के साथ ही कि जो हम 2 रुपए किलो बीपीएल को बांट रहे हैं गेहूं और चावल, हम वो कैसे बांटेंगे? नंबर एक तो, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो सरकार को झेलना पड़ेगा ना। जो आप लोगों ने बोला कि भाई हमने 80 लाख परिवारों में या इतने लोगों में हमने ये पहुंचाया अभी कोरोना काल में भी, वो तो आपको पहुंचाना ही पड़ेगा क्योंकि राइट टू फूड तो आप दे चुके हैं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उनके सॉल्यूशन फिर हर साल कैसे आएंगे, बजट के अंदर कैसे प्रोविजन होगा? ठीक है, देखिए इसका एक बहुत सीधा और सिंपल सा एक जवाब है, मैं आपको बताता हूं कि एमएसपी खत्म नहीं है, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं है। सरकार जो कंसेशनल रेट पर बीपीएल को एपीएल को जो देती थी वो आज भी देगी। दूसरी बात, ये जो मंडी व्यवस्था है ये एज इट इज रहेगी, जो 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 सरकार की सुविधा है वो एज इट इज रहेंगी। दूसरी बात, मैं अब एक उदाहरण बताता हूँ योगेश जी, मुझे लग रहा है इस बात से बहुत क्लियर होगा कैसे कि जो सर बहुत जल्दी सरकार का एक 45 दिन के लिए 60 दिन के लिए एक समय निश्चित होता है, उसमें किसान आए और मंडी में अपना खाद्यान्न बेच दे तो उसके ऊपर जो सब्सिडी पोर्शन है वो उसका मिलेगा। लेकिन एक किसान जब उसने अपना माल रोक लिया, और अब तो सरकार ने उसको बैंक से भी वो 80-90% तक उसके अगेंस्ट वो पैसा भी उठा सकता है। दूसरी बात, एक किसान ने अपना माल रोक लिया और वो कहता है नहीं मैं अब इस समय पर नहीं दूंगा, मैं तो अपना मतलब मई जून की बजाय, अप्रैल मई की बजाय मैं दिसंबर में बेचूंगा, इसका मतलब वो किसान नहीं रहा, अब वो व्यापारी बन गया, उसने सोचा कि मैं तो प्रॉफिट पर बेचूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है सर? सरकार क्यों उठाएगी आप बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वेणु जी मैं आता हूँ, रजवंत जी, वेणु अग्रवाल जी, लेकिन अब सवाल तो ये है कि अगर विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का अगर घेराव हो रहा है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं,
कि गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से ये कहा भी गया है इशारा करते हुए कि इसमें विपक्षी खेमा है, वो नहीं चाहते कि हम गांव में पहुंचे, हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाएं या गांव के लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो ये क्या सही है? अगर गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है या विरोध हो रहा है तो जनप्रतिनिधि हैं उनको गांव में, हाँ सब कुछ विपक्ष कर रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हो? विपक्ष के पास अगर इतनी पावर है कि किसानों को भी आंदोलन में लगा दिया, सारे गांव वालों को भी अपनी तरफ ले लिया कि आपको घुसने ना दें, तो फिर आप किस बात के लिए सत्ता में बैठे हो? और चलो खैर ये जो बात है, मैं एक बात और बहुत जरूरी जो कहना चाहूंगी कि हमारे सीएम साहब बहुत भोले भाले हैं। देखिए आज उनकी एक बात कोट करना चाहूंगी, उन्होंने बोला है कि आप अगले ही बार बजट के लिए ये मत कहिएगा कि निराशाजनक है या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने की बजाय आप कहिएगा खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। यानी उन्होंने पहले से ही अंदेशा हमें क्लियर कर दिया और हमें बता दिया कि भाई आने वाला समय और खराब आने वाला है हमारे राज में, और आने वाला बजट और भी खराब, इससे भी ज्यादा खराब आने वाला। तो खैर मतलब ये बात तो जो हुई सदन में आज आपने, लेकिन लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2500 रुपए पेंशन कर दी गई। देखिए धरातल पर ये काम नहीं कर रहे हैं, जो पेंशन पेंशन के लिए 2500 रुपए दिए जा रहे हैं आप, तो शर्म की बात है। शर्म की बात है, 5100 का घोषणा करते हैं 2500 देते हैं, झूठ बोलने की राजनीति तो शुरू से रही है इनकी। और देखिए एक झूठे विकास का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं विकास हो रहा है विकास हो रहा है। आप बताइए कौन सा विकास है? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम कितने आसमान को छू रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, घोटाले बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अपने चश्मे को उतारिए भैया, जरा देखिए कि विकास किस तरह से, विकास की जरूरत है आज जनता को, और आप क्या दे रहे हैं जनता? ठीक है ठीक है, रजवंत जी जरा जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं भाटी साहब से जरा जवाब ले लूं। देखिए अगर बजट की ही बात चल रही थी तो मैं भी बता देता हूँ कि सच में इस बार जो बजट पेश किया है इसमें हकीकत में कुछ नहीं है। अगर लॉजिकल बात करें, हम तथ्यों के आधार पर बात करें, तो मैं अगर दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो हमारी एक बड़ी लंबी मांग थी एसवाईएल की, उसके ऊपर हर बार 100 करोड़ रुपए तो दे देते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए खर्च कहां होते हैं इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया, खर्च भी नहीं हो रहे। वो तो उनको भी पता है और हमें भी पता है, क्यों? क्योंकि व्यवस्था तो वो की वो है। रही बात एम्स की, एक हमारे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में एक एम्स के बारे में बात चल रही थी, बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा था हमारा, सब कुछ चल रहा है, आज भी हमारी वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, एम्स के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई बजट का प्रावधान किया। हमारे यहाँ पे पानी की जल सतर बहुत ज्यादा डाउन चला गया, हमें चाहिए हर समय यहाँ पे कैसे भी हो, और हमें यहाँ पे एसवाईएल के नहर का पानी चाहिए था। एक दूसरी बात और आई थी, एक हम मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं, ये 200 बेड के हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे तो सरकारी अस्पताल की हालात ऐसी है कि यहाँ पे ना तो डॉक्टर मिलते हैं, और एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड की बात मैं पहले भी कई बार चैनल पे बता चुका हूँ, यहाँ पे टाइम मिलता है। आज आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो कहेंगे आप ये पर्ची कटवा लीजिए, आपको 10 दिन बाद आना है, आपको 15 दिन बाद आना है। मतलब मेरे को जरूरत आज है अल्ट्रासाउंड की, एक्स्ट्रा मेरे को आज कराना है, दर्द मेरा आज हो रहा है, मेरे को परेशानी आज हो रही है, लेकिन उसके मेरे को लिए टाइम दिया जा रहा है। मतलब सरकार व्यवस्था क्या करे? अभी एक निजीकरण के बारे में जैसे बता रहे थे कि 1057 स्कूल बंद कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि हम इतने स्कूल नए खोलेंगे, प्ले स्कूल खोलेंगे, 1057 स्कूल तो ये बंद कर रहे हैं, ये खोलना क्या चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना जनता के समझ में आ रहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, ठीक है। एक चीज और भी है, ठीक है, स्कूलों में कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कहीं पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं कि बच्चे गुणवत्ता उतनी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों के साथ जब सरकारी स्कूल का कंपटीशन हो रहा है तो ऐसे में अभिभावक नहीं चाहते कि उनके उनके जो बच्चे हैं उनको, ठीक है सर, हर कोई चाहता है कि बेहतर तरीके से उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके, भाटी साहब, लेकिन बेरोजगारी का एक बड़ा विषय आपने, ठीक है, एक अलग तरीके से आपने कदम उठाया है, आपने कहा कि 75% आरक्षण दिया जाए, लेकिन नए रोजगार कहां है? विपक्ष इसको लेकर के सवाल पूछता है। आप सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात कहते हैं, आप 1000 से ज्यादा जिसका जिक्र भी रजवंत जी कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि हम आसपास जो स्कूल हैं हर किसी के पहुंच तक हो पाए वो स्कूल, वहां पर पढ़ पाए बच्चे, तो ये सब जब व्यवस्थाएं करना चाहते हैं तो आप तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं उल्टा। बोले जी मैं आपकी बात पर अभी आता हूं, एक मिनट, पहले जो रेणु अग्रवाल जी ने जो सवाल रखा था कि इन्होंने कहा भाई गांवों में नहीं धसने देंगे, शहरों में नहीं धसने देंगे, अभी पीछे बड़ौदा चुनाव में इन्होंने बड़े जोर शोर से प्रचार किया था कि बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को गांवों में नहीं आने देगी,
आप देखिए, चाहे हम हारे, हम मानते हैं हम हारे उस इलेक्शन को, क्योंकि हुड्डा साहब ने झोली फैला ली, मेरा इलाका है, मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, मेरा कैरियर खत्म हो जाए, इसलिए जीते। और पूरे क्षेत्र में सर हर कोई कोशिश करता है, आपने भी पूरी कोशिश की, ठीक है। भाजपा और जेजेपी के नेता, ठीक है, समय समय बहुत कम है सर, समय समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कमेटी को लेकर के कोहराम है, लेकिन संशोधन की बात तो है, और ये भी हर कोई मान रहा है कि गुंजाइश इसमें है सुधार की, लेकिन सुधार है हो कैसे, क्योंकि कमेटी से तो बायकॉट कर दिया गया है। देखना यही होगा कि कैसे किसानों की इस परेशानी का समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।